की जो बढ़ती भूमिका आपने अदा किया है, यही कहता है कि बिहार में जनता दल यू पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जाना जाता है। हम पॉलिटिक्स विद डिफरेंस करते हैं, हम ऐसे राजनीतिक जमात के लोग हैं जो इस देखिए इस हॉल के अंदर में तमाम सामाजिक समूह के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, ये हमारी पूंजी है। सबसे बड़ी पूंजी अगर हमारी पार्टी की है कि समाज के सारे तबके के लोग माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीति के नक्शे कदम पर चलने को तैयार है, और यही कार्यकर्ता हमारी पूंजी है। इसलिए हम आपको अध्यक्ष जी ने विस्तार से कुछ एक बिंदुओं पर आपका ध्यान भी आकर्षित किया। बिहार में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होने वाला है, और ये चुनाव में मतदाताओं के भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। बहुत तेरे साथी जो यहाँ इस कार्यक्रम में है उनको पूरी बात की जानकारी है, लेकिन चूंकि ये इसी के संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई, पूरी संदर्भ केवल और केवल है पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अब कैसे मतदाताओं की भर्ती करें। तो हम कुछ प्रक्रियात्मक बात आपको बताना चाहते हैं जो आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। पहला कि 2016 तक जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, चाहे वह देश विदेश कहीं से किया हो, वो वोटर बनेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 जो पिछले मतदाता सूची थे उसको निरस्त कर दिया है, तो सारे मतदाता जो पुराने थे उनको भी वोटर बनना पड़ेगा। दूसरा पक्ष इसका यह है कि वह मतदाता फॉर्म हम लोग के पास भी उपलब्ध है, प्रखंड कार्यालय में भी उपलब्ध है। उसमें तीन महत्वपूर्ण विषय, पहला उससे हम लोग साइट से निकाल करके उसको भर देंगे, दूसरा है उसमें कि आपको अपना अंक पत्र अथवा प्रमाण पत्र की प्रति देना पड़ेगा, तीसरा इस पर नया प्रावधान किया फोटो भी देना पड़ेगा। एक फोटो है जरा कठिन काम, लेकिन उसके बावजूद हम आपसे यह अनुरोध जरूर करेंगे कि देखिए ये पूंजी है हमारी और समाज के सारे तत्वों को वोटर बनने का हक मिलना चाहिए। हम लोगों जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू की थी 2002 में 17,000 वोटर थे, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे बैठे हुए हैं, 3 लाख मेहनत करके हम लोगों ने 1,18,000 पिछली बार पहुंचाया, उसमें हमारी पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका थी। इसलिए हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि और ये प्रक्रिया 6 नवंबर तक होना है, अब इसी बीच में पार्टी के संगठन का काम भी दायित्व है आपका, अब ये चुनाव पार्टी लड़ रही है वहां भी आपको अपनी बढ़ती भूमिका अदा करना है। दूसरा है कि पार्टी का जो संगठनात्मक कार्यक्रम के अलावा आपका अपना संगठन का भी कार्यक्रम है, इसी बीच में दशहरा हो गया, दीपावली है, छठ है और डेट है 6 नवंबर तक, और उस फॉर्म भरने के बाद उसको राजपत्रित पदाधिकारी से सत्यापित भी करवाना है। मेरा मोबाइल नंबर रखिएगा, कोई परेशानी होगा तो वो भी हम बता देंगे, उसके लिए भी प्रक्रिया तय है। इसलिए ये सबसे बड़ी हमारी पूंजी है और समाज का ऐसा एक तबका नहीं है जहां जनता दलों के कार्यकर्ता को सर झुका कर करके वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग अपने कार्यक्रम पर अपने अपनी उपलब्धियों पर, और हम तो ये कहते हैं कि विकास का अगर मानक मानना है अपने अपने गाँव को देखिए, गाँव ही मानक है, वह गांव में जाइए और फिर पूछिए कि 2005 के पहले इस गांव में बिजली पहुंचा था, सड़क पहुंचा था, इस गांव के अंदर में बच्चों को दलित छोड़ती पिछड़ा हो सबक हो अल्पसंख्यक हो स्कॉलरशिप मिलता था, विद्यालय भले जो काम किया है वह गांव को माना काम मानी है, हमेशा मैं बोलता हूँ इसको जरूरत नहीं है, और समाज के हर तबके की हमने सेवा की, कोई ये तबका नहीं कर सकता कि हमने उसकी सेवा नहीं की है। जितना बल पड़ा है राज्य सरकार ने सीमित संसाधन के बदौलत एक लकीर जरूर की थी, इसलिए हम आपसे विनती करेंगे कि समाज तबके की भागीदारी तय करिए, उनकी हिस्सेदारी तय करिए और मतदाता बनाने की प्रक्रिया में सुरुचित पूर्वक गंभीरता पूर्वक पहल प्रारंभ कर दीजिए। जो पहल किए उनको आभार और जिन पर पहल करना
होना है उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इस कार्य को संपादित करें। के बीच में जल जमाव का और बाढ़ की जो समस्या हुई थी उसके चलते वो संरक्षित बैठक नहीं कर पा रहे, इसलिए उसमें तो कल जूनियर मत रखिएगा प्रतिमान में। सीधे तौर पर एनडीए में तैयार है, तैयार की बात जो सोच रहे हैं उनको पेट में दर्द होते रहेगा। तैयार तैयार कमिटमेंट। अरे की बैठक पर जब मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जिला पार्टी नालंदा की बैठक करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी का ही नारा है, चुनौती मिले तो अवसर करना चाहिए। लेकिन बोले जनता मालिक को करदाता मालिक होता है, और हरिद्वार जेल के कैदी नंबर 34 में कारण किसका किसका सहयोग लोगों हो जाए, बाकी हम अपनी उपलब्धियों में जुड़ा रहे। सब चीज तो मीडिया के पटल पर है। अरे हम लोग था चुनाव लड़े, हम लोग के बारे में क्या क्या कहा जा रहा था, क्या क्या कहा जा रहा था, क्या क्या जब प्रयास करा रहे थे, तो प्रयास कराने वालों का एहसास नहीं बन रहा। इसलिए एनडीए गठबंधन अटूट है और बिहार लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।